नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, जिसमें ये बता दूं कि ये एक फीमेल का हैंड है और इनके लाइफ में जो इतनी स्ट्रगल रही, किस कारण रही और आने वाला लाइफ अब कैसा रहेगा, उसके विषय में महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। तो थोड़ा पर्सनैलिटी के विषय में पता कर लें, जान लें कि कैसा है। फिंगर की लेंथ की जहाँ तक चर्चा की जाए तो फिंगर की लेंथ जो है नॉर्मल है हाथ के कंपैरिजन में। एनालिटिकल पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की अच्छी पाई गई है और फिंगर के जो आप सिरे पर देख पाएंगे तो थोड़ी नुकीली किस्म की है, जिसके कारण व्यक्ति जो है अच्छे से एनालाइज कर पाता है हर परिस्थिति को एवं हर प्रकार के लोगों को, एवं लोगों के द्वारा बहुत कुछ सीखते भी हैं और दूसरे लोग जो है ऐसे लोगों को बहुत ज्ञान जो है सीखा जाता है जीवन में। अब वो किसी माध्यम से हो सकता है, कोई गुरु अच्छे मिल जाए या लोगों से जो धोखा मिल रहा है उसके कारण जो चोटें लग रही हैं जीवन में, तो ये सब अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कैटेगरी में ये सब बातें आती हैं। फिंगर में सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को विप बना देती है। आसानी से व्यक्ति दूसरों से घुल मिल जाने वाला होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन्हें। परंतु कुछ आड़ी रेखा है जो कहीं ना कहीं अपनों से ही अनबन व मतभेद, मन मुटाव दूरी को व्यक्त करती है। लिटिल फिंगर शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुंची, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल वीक होती है, शाइनेस शर्मिलापन भी पाया जाता है अपोजिट सेक्स के प्रति, और मन के अंदर ही ऐसे लोग बात को दबा लेने वाले होते हैं। फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर की लेंथ की चर्चा की जाए, दोनों तकरीबन सेम है। गुरु की क्वालिटीज़ के साथ साथ सन की क्वालिटीज़ भी रहेगी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी पाई जाती है, कला के क्षेत्र में ऐसे लोगों को अच्छा जो है प्रोग्रेस मिलने के चांसेस अवेलेबल होते हैं, और वो तभी होते हैं जब वैसे व्यक्ति अपनी कलाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित कर पाए। आते हैं अंगूठे के क्षेत्र में, तो अंगूठे का पोर्शन जो है कुल मिला के नॉर्मल है, शॉर्ट है। ऐसे लोग प्रॉपरली अपना स्टैंड नहीं ले पाते और ऐसे लोगों का दूसरे लोग आसानी से बेनिफिट उठा जाते हैं या काम निकलवा जाते हैं, परंतु जब उनकी बारी आती है तो ये जो है प्रॉपरली दूसरों से काम नहीं निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं वो जो है प्रॉब्लम थोड़ा सा रह जाता है। फिंगर में जो है यव का चिन्ह है, जिसके कारण व्यक्ति जो है शार्प माइंड का हो जाता है, मतलब पाया जाता है इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों को जल्दी कैच कर लेने वाले होते हैं। साथ ही साथ सिक्स्थ सेंस भी ऐसे लोगों की ब्राइट होती है। तो आते हैं यहाँ पर पाल्म के ऊपर, तो पाल्म में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है तिल। पाल्म में मतलब आपके पाम में कहीं भी किसी भी पोर्शन में, ये जो पूरा पाम आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी तिल होना जो है शुभ नहीं होता सिवाय बीच में, और ये यहाँ पर जो तिल है जिसके कारण व्यक्ति को थोड़ा जो है स्ट्रगल कर जाना पड़ता है मैरिड लाइफ में। मैरिज के बाद थोड़ा स्ट्रगल जो है लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाता है। आते हैं यहाँ पर पर्वतों के विषय में, तो गुरु पर्वत थोड़ा सा अनडेवलप है, जिसके कारण मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं ये भी शो कर रही है कि थोड़ा जो है कहीं ना कहीं इश्यूज़ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अपने लाइफ सोल से रिलेटेड हो या फिर अपने चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो मैरिड के बाद जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, तनाव या स्ट्रगल जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। परंतु कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो थोड़ा सेटिस्फाई जरूर इनको करवाएंगी मैरिड लाइफ से, और प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है जिसके कारण प्रोग्रेस लाइफ में अच्छा मिलेगा। करियर, अगर ऐसे लोग करियर ओरिएंटेड फील्ड में आ जाएं तो प्रोग्रेस मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, और अगर नहीं आ पाए हैं तो फिर तब भी ऐसे लोग जो है अच्छे खासे एम्बिशियस होते हैं, और एम्बिशियस भी अगर ना हो तो भी ऐसे लोगों का लाइफ में प्रोग्रेस जो है अच्छा पाया जाता है, कंडीशंस जो है दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं, परंतु स्ट्रगल जो है थोड़ा जो है बढ़ने के चांसेस देखने को मिल रहा है। शनि पर्वत पर यहाँ पर आते हैं, तो शनि पर्वत यहाँ पर जो है नॉर्मल है, रेखाओं का पहुँचना यहाँ पर शुभ है, लाइफ लाइन से ही निकल के रेखा पहुँच रही है। व्यक्ति अपने मेहनत खुद के बलबूते पर खूब आगे बढ़ता है, अपनी सारी इच्छाएं मनोकामनाओं को भी खुद के बलबूते पर ही पूरा करने वाले होते हैं। और एक और लाइन देखने को मिल रही है जो ये बेसिकली सेटिस्फेक्शन लाइन है, करियर या मनी रिलेटेड बातों को ये नहीं बता रही, ये बताती है कि जो 60s की एज के बाद जो लाइफ रहेगा बहुत ब्राइट रहने वाला है, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा इनका रहेगा 60 के एज के बाद, ध्यान रखिएगा। सूर्य पर्वत की यहाँ पर चर्चा की जाए, तो सूर्य पर्वत पर रेखाओं के ऊपर स्टार टाइप फॉर्मेशन होना जो है शुभ होता है,
ऐसे व्यक्ति जो है फेम पॉपुलैरिटी अपनी लाइफ में अच्छा पा पाते हैं और एक से ज़्यादा माध्यमों से पाते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों की जो कीर्ति है वो दूर दूर तक फैली हुई होती है। स्टार टाइप फॉर्मेशन व्यक्ति को एकदम जैसे सूर्य का एक जो तेज होता है उस प्रकार से व्यक्ति को चांसेस बनते हैं फेम पॉपुलैरिटी के, परंतु कंडीशन यही अप्लाई होता है कि जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी या क्रिएटिविटी है उसको बाहर लोगों के सामने लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये असर होता है। परंतु ये होने के चांसेस ब्राइट है, लेटर एज में होगा। और बुध का कनेक्शन जो है यहाँ पर सूर्य से हो रहा है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बुधादित्य योग जो है बनने के चांसेस ब्राइट होते हैं। व्यक्ति अपने बुद्धि के कारण फेम पॉपुलैरिटी अच्छा पा सकता है, साथ ही साथ बिजनेस के द्वारा भी प्रोग्रेस मिलने के चांसेस ब्राइट है, क्योंकि एक से अत्यधिक रेखा बुध पर्वत पर होने पर व्यक्ति जो है हंसमुख हंस मिजाज किस्म का होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि ये दूसरों को अपने तरफ बांधे रख सकें या फिर अट्रैक्ट कर सकें। हृदय रेखा का प्रारंभ बेसिकली हो रहा है यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से, और एक रेखा इस प्रकार से चल गई है सीधे। गुरु के क्षेत्र से होने वाली रेखा सीधे सीधे व्यक्ति को इमोशनल बताती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही भावुक रहता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी रो भी देते हैं और बहुत ज़्यादा ही दूसरों की भावनाओं में बह जाने वाले होते हैं। दूसरे लोग ऐसे लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, लूट सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल माइंड की बेसिकली बहुत कमी पाई जाती है, और दूसरों की इमोशंस में जल्दी बह जाने के कारण ऐसे लोगों का फ़ायदा आसानी से उठाया जा सकता है। तो वो इंडिकेशन कहीं ना कहीं फिंगर में भी देखने को मिल गए थे, तो इस कारण से दूसरों से धोखा मिलने के चांसेस इनमें जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। परंतु बहुत ज़्यादा ही लॉयल रहेंगे रिलेशन के प्रति, जिसके साथ रखेंगे अपने तरफ से 100% देंगे, किसी को धोखा चाह करके भी जो है नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग ईमानदार भी बहुत अच्छे होते हैं, और थोड़ा जो है हृदय रेखा में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिल रहा है। रेखाएं थोड़े से बिखरी हुई हैं और इसका इम्पैक्ट बेसिकली हमको जो है लाइफ लाइन पर देखने को मिलेगा हेल्थ रिलेटेड इशूज में। बाकी हृदय रेखा की जहाँ तक चर्चा की जाए वो ठीक है, कोई बहुत बिग इशू जो है देखने को नहीं मिल रहा है पूरे ज़िंदगी तक। आते हैं यहाँ पर अब सीधे माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन का फ्लो इस प्रकार से चल रहा है, बहुत देर के बाद जो है इंडिपेंडेंसी मिली है इनको और इस प्रकार से माइंड लाइन इनकी चल रही है। बेसिकली लॉन्ग स्टडीज़ के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, ऐसे लोग स्टडी के फील्ड में इच्छुक बहुत होते हैं और उस फील्ड से रिलेटेड ऐसे लोगों को सक्सेस मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। यहाँ पर सीधे चर्चा करते हैं मंगल के क्षेत्र के विषय में। बाहरी मंगल पर इस प्रकार की रेखा होना शुभ होती है, शत्रु पर विजय पाने वाली रेखा है, एनिमीज ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाते। अंदरूनी मंगल भी जो है यहाँ पर थोड़ा जो है दबा हुआ है, शारीरिक बलता, ऊर्जा, उत्साह थोड़ा सा कम पाया जाता है। यहाँ से रेखा निकल के कुछ इस प्रकार से गई है, व्यक्ति जल्दबाजी हड़बड़ी में कहीं ना कहीं निर्णय ले जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है घर बार की ऐसे लोगों के ऊपर आती हुई देखी जाती है। यहाँ पर अच्छी चिन्ह ये देखने को मिली कि लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये लाइनें चल रही हैं, ये गार्जियन एंजल है, सपोर्टिव लाइन है, जो तकरीबन इनको 23-24 एज के बाद से जो है मिलना स्टार्ट हुआ है। दूसरों का सपोर्ट सहयोग से ऐसे लोग प्रोग्रेस कर जाते हैं या उस कष्ट दिक्कत परेशानी से निकल जाते हैं। यहाँ पर जो इस प्रकार की आड़ी रेखा है यही होती है स्ट्रगल लाइन, और यही जो है प्रॉब्लमेटिक जो है बेसिकली होती है। तो 30s के एज में देन 40s के एज में जो है ज़्यादा स्ट्रगल जो है देखने को मिल रहा है, बाकी उसके पहले भी रहा है, परंतु जो है हैंडल कर लेने वाला था ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो इम्पैक्ट थोड़े से ज़्यादा है। बाकी 50 के एज के बाद से हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे, सपोर्टिव लाइन साथ में चल रही है और भी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस लाइन निकली है, जिसके कारण इच्छा मनोकामना पूरी होगी। लाइफ लाइन से बाहर की ओर निकलने वाली रेखा जो चंद्र के क्षेत्र तक गई है, विदेश यात्रा के योग बहुत प्रबल हैं। आने वाले ज़िंदगी में विदेश जो है विदेशी भूमि में जाना कन्फर्म लिखा हुआ है, ये आप जान लीजिए। और शुक्र के क्षेत्र की चर्चा की जाए तो शुक्र का पर्वत यहाँ पर नॉर्मल है, आड़ी रेखा जो है इस क्षेत्र में होना शुभ होता है, नीचे की तरफ नहीं। लग्जरीज व सुख सुविधा के साधन अच्छे देखने को मिल रहे, परंतु थोड़ा लेटर एज में आकर के ये सब मिलना इन लोग मतलब इनको जो है हुआ है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है जीवन में, लाइफ में इनका थोड़ा जो है गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। तो ये तिल के बदौलत, ये तिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलंक
वाला काम कर जाता है, भाग्यहीनता का निशानी बन जाता है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति को क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तेल ये इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा, एक तो इमोशंस की कहीं ना कहीं व्यक्ति के मानसिकता पर भी ये इमोशन निर्भर करता है। धोखा मिलना, चोटें लग जाना, एक्सपेक्टेशन इतनी करना और कुछ ना मिलना, तो वो भी कहीं ना कहीं इश्यूज जो है क्रिएट कर जाता है। केतु के क्षेत्र की यहाँ पर चर्चा की जाए तो केतु का क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ पर जो है विभाजित है। ट्रैवलिंग के चांसेस ब्राइट हैं। और चंद्र के क्षेत्र पर इस प्रकार की लाइनें जो है सभी जो है विदेश यात्रा को ही व्यक्त करती है। फॉरेन ट्रैवलिंग चांसेस बहुत ब्राइट हैं। इस प्रकार की रेखा जो यहाँ पर निकली है बिजनेस लक है। बिजनेस के क्षेत्र में प्रोग्रेस इनको मिल सकता है, या फिर इनके द्वारा मतलब इनके नाम से कोई और अगर बिजनेस करे तो भी प्रोग्रेस मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। मनी ट्रायंगल बना हुआ है परंतु प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत हल्का सा है, तब भी इनकम जो है ऐसे लोगों के पास से धन जो है अच्छा पाया जाता है अगर ये बिजनेस के क्षेत्र में चल जाए तो। और यही जो कुछ बाधाएं रेखा है ये लक लाइन को भी इम्पेक्ट करी, जिसके कारण लक का जो एक प्रभाव होता है वो थोड़ा सा जो है कम होता हुआ या डिक्लाइन होता हुआ देखा जा रहा है। तो इस हाथ में तकरीबन जितनी बातें थी सब मैंने कवर करने की कोशिश की, और अगर कोई बात रह गई हो या छूट गई हो जरूर बताएं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।